मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। 19वीं सदी में किसी ने चंद पंक्तियां लिखी तो 21वीं सदी में चंद पंक्तियां एक महान शख्सियत की पहचान बन गई। उसने कहा था, हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन से एक तरह मिलो, जब ओखली हो तो बर्दाश्त करो और जब दस्ता हो तो वार करो। जी हाँ, होनहार विद्यार्थी, नौजवान अध्यापक, देशभक्त वैज्ञानिक और हर दिल अजीज राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये पंक्तियाँ कलाम साहब की शख्सियत में गुलजार साहब ने अपने खजाने से निकालकर अर्पित की। कलाम साहब ने हर घड़ी अपने तरीके से दुनिया को सीखने की राह खोली, तो जब जिए तो मिसाल बनकर जिए और जब दुनिया से रुखसत हुए तो मिसाल पेश करके चले गए। हालांकि उनका तारीफ कुछ जुदा था, कुछ नया था और बेजोड़ था। आज इस खास पेशकश में बात होगी कमाल के डॉक्टर कलाम की। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। इस खास पेशकश के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा में बीजेपी नेता शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कलाम की शख्सियत से वाकिफ डॉक्टर पवन अग्रवाल और वासु मित्र भारद्वाज जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। जी हाँ, सपना यही था डॉक्टर कलाम का, देश आगे बढ़े, विजन दिया 2020 इंडिया का, और उसी पर सबसे पहले बात करेंगे। इंडिया का विजन, बढ़ते देश का विजन, विकसित देश का विजन। शंकर जी, विकसित देश की अवधारणा को रखा डॉक्टर कलाम ने, कहा युवाओं को साथ लिया जाएगा, बच्चों को कम से कम युवा बनने तक सीख देने की बात कही, ये तमाम जो राह दिखाई, लगता है देश उसी पर चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को, कलाम साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। या देश में जो क्षति हुई है, ये किसी परिवार की व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि देश की और पूरे विश्व की क्षति है, और इसको भरपाई करना भारत के लिए बहुत कठिन है। जिस तरह से उन्होंने बच्चों में बच्चे बनकर, बड़ों में बड़े बनकर, और अपने हम उम्र के लोगों में हम उम्र के बनकर के जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, और जिस तरह से विज्ञान की प्रगति और मिसाइल मैन के रूप में अपनी मिसाइल कायम की और अपनी पहचान बनाई, एक छोटे से रामेश्वरम जैसे छोटे झोंपड़े में, गांव में पैदा होकर के, और इतना बड़ा बनना, ये बात निश्चित रूप से प्रदर्शित करती है कि आज की जो राजनीति है, उस राजनीति में अपन ये कहते हैं कि बाहुबल, पैसे का जो बहुत बड़ा खेल चलता है, उस सारी चीज़ों से दूर उनका पूरा जीवन यदि अपन देखें और पढ़ें, तो उस सब चीज़ों से दूर होकर के उन्होंने और जो देश को एक योगदान दिया, उसको हम भूल नहीं सकते। जैसे अखबार बांटने का एक आता है कि भी उनका, उनके भाई अखबार बांटते थे, वो अखबार स्वयं नहीं बांटते थे, कभी कभी उनकी मदद करते थे, पर एक समय ऐसा आया कि रामेश्वरम में जो ट्रेन रुकती थी और जिससे अखबार नीचे उतारते थे, वो ट्रेन रामेश्वरम में न रुक करके उसके अगले स्टेशन पर रुकती थी। तो अब वो रामेश्वरम में अखबार बांटने के लिए उनके भाई फिर ये जाते थे वहाँ पैदल अगले स्टेशन, और वहां से अखबार लेकर के आते और फिर भाई को देते और फिर वो बांटते। काफी संघर्षपूर्ण रहा उनका जीवन जी करके, इसी संघर्ष के दम पर उन्होंने जो विजन की बात कर रहा हूँ, इंडिया 2020, उसका जिक्र किया। मैं यही बात कह रहा हूँ कि इस छोटे सी सोच से बहुत बड़ा आगे बढ़ा जा सकता है, और इससे हमें आज की युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज की जो आपाधापी और जो पैसे की चमक और ये जो है, उन सब चीज़ों से छूट करके भी अगर चाहे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर, तो बहुत आगे बढ़ सकता है और बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हम सब लोगों को, युवाओं को ही नहीं, हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जी सुनील जी, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन शख्सियत। नहीं देखिए, मैं अगर अब्दुल कलाम साहब के बारे में बोलना हो मुझे जी, वैसे हालांकि उनकी शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसके बारे में क्या कहा जाए, सूरज को रोशनी दिखाना है, पर मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा
कि देखिए बड़ा होना इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत लोग बड़े बन जाते हैं, मगर बड़े होकर भी अच्छे बने रहना, ये कलाम साहब की शख्सियत का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन अगर उनका पक्ष देखें, सबसे बेहतरीन अगर आयाम देखें तो ये वो बड़े बने, बहुत विराट ईश्वर ने उनको बनाया, मगर उस विराटता के बावजूद भी एक अंदर एक जो अच्छाई है वो हर क्षण उनके अंदर से आप मानिए एक तरीके से स्रावित होती रही, लगातार उनमें से बहती रही, और वो जब भी किसी से भी मिले तो उसमें उस अच्छाई की छाप सच्ची बात है छोटी। अब देखिए भारत के अंदर भारतीय गणतंत्र में बहुत लोग राष्ट्रपति बने, मगर सच्ची बात तो ये है कि अगर आप राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करें, वो उनका भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, नील चंपारण सत्याग्रह से वो रिलेट थे, महात्मा गांधी के क्लोज एसोसिएट थे, मगर उनके बाद अगर कोई भी आदमी इतना पॉपुलर अगर राष्ट्रपति बना कि जैसे आप ये करें पीपल्स प्रेसिडेंट, तो सच्ची बात है कि ये एक बहुत एक बड़ी बात है। हालांकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर आपको मानना पड़ेगा कलाम साहब की इस फहरिस्त में कलाम साहब अलग नजर आते हैं। कलाम साहब का जो सबसे बड़ा और उनको जो डिस्टिंग्विश करता है इस पूरी भीड़ से डिस्टिंग्विश करता है, आपके बहुत बड़ी जो सेलिब्रिटी की इतनी बड़ी जो गैलेक्सी है इंडियन गैलेक्सी, उसमें जो सबसे चमकते हुए स्टार जो दिखते हैं, वो सबसे चमकते हुए जो सितारे दिखते हैं, उसमें केवल एक बात है कि वो बड़े बने, मगर बड़े बनने के बावजूद भी उनमें जो अच्छी बात है, ये बड़ा बनना मैंने आप पहले बोला बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बन के भी आप अच्छे बने रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और कलाम साहब को अगर आपको रेखांकित करना हो तो वो एक ऐसे बड़े थे जो अंतिम क्षण तक वो अच्छे बने रहे, और मेरी राय में इससे बड़ी किसी भी आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। बिल्कुल, कलाम साहब कहते थे कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, और यही शख्सियत थी जो हर किसी को रोशन करती रही। हाँ, और रही बात विजन की बात, तो देखिए एक सपना उन्होंने देखा था और एक सपना था विकसित भारत का सपना। सच्ची बात तो ये कि जिस जमाने में कलाम साहब विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर को ज्वाइन कर रहे थे, वो जमाना था जब इंडिया में ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा, एक तक समझ लीजिए आप एक एपेडेमिक की तरह आ गया था, एक महामारी की तरह आ गया था, कि जो भी थोड़ा सा ये पढ़ा लिखा था, थोड़ा सा भी क्वालिटेटिव आदमी था, वो अमेरिका जा रहा था, नासा जा रहा था, दुनियाबायोग्राफी में जिक्र भी किया है, चीजों को आपने रेनाउंस करके इंडिया में रहना अपने आप में, उस जमाने साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है विक्रम साराभाई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले और उन्होंने कहा भी वो इस रंग का करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन यही था कि बड़े साइंटिस्ट या अच्छे साइंटिस्ट कहां से कलेक्ट करोगे, क्योंकि ब्रेन ड्रेन वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, हम बहुत प्रॉपर पे नहीं कर सकते थे। सच्ची बात है कि इन कंट्रास्ट टू नासा हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कमजोर थे, मगर उस जमाने में आपने इसरो को ज्वाइन करना और उसके अंदर और सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये एक बड़ी बात थी। जगदीश जी, करने के अलावा जो रिसोर्सेज चाहिए और जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए, उतने सोर्सेज भी हमारे पास थे नहीं। बिल्कुल, ये एक कामयाबी की इबारत है और कलाम साहब की पहचान है, मिसाइल मैन कलाम साहब। जगदीश जी, कोई प्रसंग ऐसा जो आप यहाँ बांटना चाहें? देखिए, आज ये कल शाम को जब ये खबर आई कलाम साहब के चले जाने की जी, तो आप देखिए कि पूरी हिंदुस्तान में एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जो उनके बारे में कुछ ऐसा बोल सके कि जिस पे अंगली उठने की बात हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी जैसा दिनेश जी बता रहे थे, मैं एक चीज़ इंगित करना चाहता हूँ कि ये उन शख्सियतों में थे जो कि हर क्लास, हर वर्ग, हर पढ़े लिखे से लेकर और बिना पढ़े लिखे के बीच में, हर उम्र के लोगों के बीच में समान रूप से नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखने वाले आदमी थे। और हिंदुस्तान में बड़ा क्राइसिस रहा इस बीच, जो अभी बता रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद जी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे थोड़े हुए, लेकिन वो एजुकेशन के फील्ड में ही रहे। लेकिन उसके बाद एक व्यक्तित्व हुआ था जयप्रकाश नारायण का, जिसकी एक आवाज़ पूरा हिंदुस्तान सुनता था, और उसके बाद लीडरशिप का इतना क्राइसिस हिंदुस्तान में रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल लीडरशिप तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो तो उस हिसाब की लीडरशिप तो पॉलिटिक्स में भी बहुत कम देखने को मिली है। लेकिन जो ये साइंटिस्ट होते हुए, एक टीचर होते हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के बावजूद, क्योंकि विज्ञान के बारे में हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन में सुनने वाले कितने लोग होंगे, उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन उनके बारे में मामूली पढ़े लिखे लोग भी, मामूली जानकारी रखने वाले लोग भी उनके बारे में जानते थे। ये उनके व्यक्तित्व का विराट स्वरूप ही है, जो कि अभी बता रहे थे शर्मा जी कि आज मैं सवेरे ट्विटर देख रहा था बहुत सारे, तो वैसे तो फिल्मी सितारे जो हैं वो अपनी उठपटांग गतिविधियों के लिए पहचाने जाते हैं, सलमान खान खासतौर पर, अभी थोड़े दिन पहले ही एक विवाद कर दिया, लेकिन आज उनका एक ट्वीट पढ़ा मैंने,
वो कहते हैं कि मेरे जीवन की एक अभिलाषा थी कि मैं डॉक्टर कलाम से कभी मिलूं, क्योंकि वो ऐसी हस्ती थी जिससे मिलने की इच्छा होती है अंदर से। सलमान खान जैसे लोगों का क्या लेना देना है डॉक्टर कलाम से मिलने का, लेकिन आज ट्वीट पर उन्होंने लिखा। और तब मुझे लगा कि बहुत कम व्यक्तित्व दुनिया में ऐसे होते हैं जिनसे बड़ा और छोटा हर आदमी ये अपेक्षा रखता है, जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है, मैं एक दफा ऐसे मिलूं उनसे। तो वो व्यक्तित्व कलाम साहब का था, उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था और किस तरीके से वो डेडिकेटेड थे अपने कॉज के लिए, अपनी सोच के प्रति। और किस ये जाहिर होता है, जग जाहिर भी है, डॉक्टर पवन अग्रवाल 2002 में कलाम साहब जयपुर आए और आप उस दौरे में उनके साथ थे। मेरे साथियों ने जो बातें कहीं वो वास्तव में मेरे लिए बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और वो वास्तव में मेरे मुंह की बातें थी। इतने अच्छे शब्द मैं शायद नहीं निकाल पाता उनके बारे में, लेकिन मैं उनके मेरे साथियों की बातें सुनकर बहुत ही भाव विभोर हो रहा हूँ। और मैं सिर्फ इसलिए था कि मैं उनसे मिला था जब सलमान खान नहीं मिल पाए, और कुछ पल के लिए मैं उनसे, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनसे मिला। वो एक जयपुर के अंदर कोई कैंसर कॉन्फ्रेंस हुई थी जब वो राष्ट्रपति थे, तो वो यहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए आए थे। और ये तय करना था कि ये जो कैंसर के अंदर हम लोग इलाज करते हैं वो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन हो, वो इंडियन गाइडलाइन हो। इंडियन सभी कैंसर के डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित थे और उसमें हमारे सबसे बड़े डॉक्टर भी उपस्थित थे, डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई। और जब प्रफुल्ल देसाई ने उनका कैंसर के लिए जो उन्होंने स्पीच दी, वो स्पीच सुन के वो हस्तप्रद रह गए। वो बोले कि ऐसी चीज़, ऐसी थिंकिंग, एक इंजीनियर, एक अलग किस्म का साइंटिस्ट इतनी अंदर तक मरीज की बीमारी, मरीज की गहराई, मरीज कैसे इलाज लेगा, कैसे नहीं लेगा, कैसे ठीक होके जाएगा, जमीन से अंदर तक जानता है जी। तो वो और हम लोग तो बिल्कुल हस्तप्रद रह गए थे। और हमसे मिले भी और मेरे से कहा कि आप, मैंने कहा सर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट सीखा है और मैं वो करना चाहता हूँ, तो क्या बिल्कुल करिए। और हमारे जो मालिकाना थे उनको कहा कि आपको इसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो करीब करीब थोड़े दिनों बाद ही, वो डायरेक्ट नहीं करे लेकिन थोड़े दिनों बाद ही ऑर्डर आ गया कि हमको 2 करोड़ रुपए की राशि दान की जाती है, आप जल्दी से जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू करें। बिल्कुल, मैं ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद मैं फिर लौटूंगा आप लोगों के पास। हरफन मौला बहुत हैं ज़माने में, हर दिल अजीज चंद लोग हुआ करते हैं, ऐसी ही शख्सियत हैं डॉक्टर कलाम। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, डॉक्टर कलाम के किस्से और बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर कलाम एक सच्चे कर्मयोगी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन बड़ी कड़ी मेहनत, लगन और उत्साह के साथ देश की सेवा में लगा दिया है। डॉक्टर कलाम को एक प्रख्यात साइंटिस्ट, मिसाइल मैन और आमजन के प्रिय राष्ट्रपति के रूप में हमेशा हम लोग सबने उनको देखा है। मिसाइल और जो परमाणु कार्यक्रम है उनकी बहुत बड़ी भूमिका उसमें थी और देश उनका हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। लाखों बच्चों के लिए और युवाओं के लिए एक आइकन के रूप में वो उभर के आए थे, एक एग्जाम्पल के रूप में सबके सामने खड़े थे। और उनका निधन उन सब के लिए, हम सब के लिए एक बहुत दुखद मौका है। वो इतने बड़े स्थान पर होते हुए भी जिस तरह से उनकी नम्रता, उनकी सूझबूझ और लोगों के प्रति जो उनका प्यार था, उसे से छिपा हुआ नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, उन्होंने कभी नाम की चिंता नहीं की। और अभी जाते जाते भी वो देश के लिए अपने बच्चों के साथ कुछ कह रहे थे। देश ने जहाँ एक महान वैज्ञानिक को खोया है, वहीं ऐसे आदर्श नेता को खोया है जिन्होंने अपने जीवन में सिद्धांत की राजनीति को मजबूत करने का काम किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक के रूप में उनकी कृतियाँ कभी भूली नहीं जा सकती। अपुण्य क्षति हुई है हिंदुस्तान को, और उन्होंने जो सिद्धांत और जिस आदर्श की राजनीति की, वो हमारे सब के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी।